हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको हमारे चैनल SMV ब्रोस ब्लॉग्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसी दौरान आम लोगों को गोवा ट्रिप एक सपना सा हो गया है। इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि बहुत कम पैसे में गोवा ट्रिप कैसे करें। तो आइए चलते हैं। तो अभी मैंने सिरसी के बस स्टैंड से कुमटा जाने के लिए बस पकड़ा है और सिरसी से कुमटा जाने के लिए टिकट का पैसा सिर्फ 60 रुपीस लिया है। तो चलिए मैं कुमटा जाके फिर से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, अभी मैं कुमटा पहुँच चुका हूँ और बस से उतर रहा हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रहा है क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया था। तो अभी दोपहर भी बज चुका है तो इसलिए मैं अभी नाश्ता खा लेता हूँ। देखिए, उधर रोड के उस पर एक छोटा सा होटल दिख रहा है, उधर जाके मैं अभी कुछ खाना खाने वाला हूँ और मुझे खाना खा के फिर से रेलवे स्टेशन जाना है। तो देखिए, उधर वो बस के वो साइड एक छोटा सा रोड है जो बस स्टैंड के ठीक ऑपोजिट है, उधर से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो चलिए कुछ खा के मैं कुमटा रेलवे स्टेशन जाके फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए, कुमटा रेलवे स्टेशन बाहर से ऐसा दिखता है। तो अभी मैं अंदर जाके टिकट ले लूँगा और अभी इधर देखिए गणपति फेस्टिवल का तैयारी हो रहा है, पेंडल भी डाल रहे हैं। तो चलिए मैं अंदर जाके टिकट ले लेता हूँ और टिकट लेने के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए, मैं कुमटा रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और मैंने टिकट भी ले लिया है और टिकट का फेयर 80 रुपीस लिया है कुमटा से मड़गांव जाने के लिए। तो ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, अभी अनाउंसमेंट भी हो चुका है और थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ के ट्रेन चढ़ना बहुत ख़तरनाक होता है, तो आप भी ऐसा ट्राई मत करिए। अंत में ट्रेन आ भी गया, तो मैं ट्रेन में चढ़ भी गया हूँ और मुझे सीट भी मिल चुका है। अच्छा, खिड़की के पास सीट मिला है। ये देखिए, मड़गांव से मैंगलोर जाने वाला ट्रेन भी जा रहा है। देखिए, अंदर ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है ट्रेन के अंदर। तो मैं मड़गांव पहुँच के फिर से व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। फाइनली मैं अभी मड़गांव पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे रूम में जाना है, बहुत लेट भी हो गया है। तो अभी मैं डायरेक्ट कल मिलूँगा Day 2 में। तो स्वागत है आप सबका Day 2 में। अभी मैं मड़गांव मार्केट में हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करना है। शॉपिंग करने के बाद मुझे बीच भी जाना है, मीरामार बीच। तो अभी मैं थोड़ा शॉपिंग कर लेता हूँ और बीच जाके फिर से मिलेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अभी मैं मीरामार बीच पहुँच चुका हूँ। कितना खूबसूरत है गोवा स्टेट, तो बहुत क्लीन है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इन लोगों ने। देखिए, अभी मैं बीच के अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा दिखता है। अभी इधर भीड़ बहुत कम है क्योंकि कोविड के वजह से शायद, और फॉरेनर्स भी बहुत कम हैं। देखिए, वरना इधर में बहुत भीड़ रहती है, फॉरेनर्स भी बहुत लोग रहते हैं। देखिए, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने बना के रखे। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको हमारा ये व्लॉग।
मैं तो बहुत कम दाम में, मतलब 150 या 160 रुपीज़ में मैं गोवा पहुंच चुका हूं और गोवा में घूम भी चुका हूं। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत कम दाम में गोवा टूर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब वीडियोस लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मैं अगले वीडियोस में गोवा का कुछ लोकल मार्केट दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार है और बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।